तो फिर चलिए आज हम खीरे ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से खीरे तोड़े नहीं हैं और बहुत ज़्यादा खीरे हो चुके हैं। वैसे मैंने इस बार शिमला मिर्च और बैंगन भी ट्राई किए हैं, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं। लास्ट ईयर मैंने तरबूज उगाए थे, वैसे साइज़ उतना बड़ा नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे ठंड रहती है ना। खैर वो तो ही लास्ट ईयर की बात, लेकिन इस बार खीरे बहुत ज़्यादा उगे हैं। पहले तो बरसात ज़्यादा थी तो उतने ज़्यादा लग नहीं रहे थे, लेकिन आजकल तो हर तरफ खीरे ही हैं। तो ये है नेपाली खीरा। नेपाली खीरा की इसके बीज नेपाल से आए हैं और यह गिलोय के पत्ते यानी कि गिलोय की बेल भी खीरे के साथ साथ बढ़ रही है। और खीरे तोड़ने के लिए ना बेलों के बीच में झांक झांक कर देखना पड़ता है। ये तो काफ़ी छोटू साइज से छोड़ देते हैं पहले, थोड़ा बड़ा सा देखते हैं, देखिए। और ये रहा लोकल खीरा, क्योंकि मैंने कहा ना 2 वैरायटी के खीरे हैं, एक नेपाली है, लोकल है। लोकल खीरों में ना ऊपर से हल्के हल्के कांटे भी रहते हैं। तो यह है लोकल खीरा और अब इसे तोड़ लेते हैं। हल्का सा येलोइश हो चुका है, धूप में दिख रहा है। और जो खीरा बहुत ऊपर हो ना, उसे तोड़ने के लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं होती, क्योंकि हमारे पास तोड़ने वाली कोई चीज़ रहती है, इस तरीके का डंडा रहता है, उससे हम खीरों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और फिर तोड़ लेते हैं। तो देखिए, और अब मैं कम से कम 6 खीरे तोड़ चुकी हूँ। तो एक और खीरा मुझे वहीं पर दिखा था, उसे फिर डंडे की हेल्प से तोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, कुछ खास नहीं होता, बस डंडे से खीरे को खींच लो, बेल भी धीरे धीरे अपनी तरफ आ जाती है और खीरे तोड़ लो। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा खीरे लगे हैं, और छोटे बड़े। वैसे एक बार जो छोटा खीरा होता है ना, मन नहीं करता कि उसे रहने दें, एक बार देख लिया तो फिर तोड़ने का ही दिल करता है। तो ये लीजिए, मैंने खूब सारे खीरे तोड़ लिए, थोड़ी सी मिर्चें भी, क्योंकि हरी मिर्च के साथ मतलब हरी मिर्च वाले नमक के साथ खीरे खाने का मज़ा ही अलग होता है। और मैंने इसे भी तोड़ लिया जो मैंने पहले छोड़ दिया था, क्योंकि एक बार देख लो ना तो फिर रह नहीं पाते बिना तोड़े। और ये देखिए बीच में, यह है नेपाली खीरा। नेपाली खीरे के ऊपर ना कांटे नहीं होते, और ये बीज हमें जो लोग नेपाल से आते हैं ना काम करने वाले, उनसे लिए थे हमने। और बीच में सांप हो उसका भी डर रहता है थोड़ा बहुत। अब देखिए, मैंने खीरे की बेलें ना घर की छत के ऊपर तक पहुंचा दी ऐसी रस्सियों से बांध कर, लेकिन यहाँ पर नीचे भी खीरे लगे हैं। नेपाली खीरा, नेपाली खीरा ना जितना भी बड़ा हो जाए, अंदर से बीज बहुत सॉफ्ट होते हैं, मीठा होता है, बाहर से कांटे नहीं होते। और ये लीजिए, ये दोनों नेपाली खीरे हैं, लेकिन अब जगह नहीं बची है रखने की, तो इनको ऐसे ही साइड में रख रही हूँ। और मैं आपको ले चलती हूँ ऊपर बालकनी में, आप देखिए यहाँ पर भी खीरे लग रहे हैं। और मैंने ग्रो बैग में भी खीरे उगाए हैं, तो देखिए यहाँ पर भी 2 बेलें हैं, एक नेपाली खीरे की और एक हमारे यहाँ के लोकल खीरे की। तो बस खीरे ही खीरे हैं हर तरफ, और मैं हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ।